हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शेफ्स लाइफस्टाइल। तो आज मैं आई हूँ आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ, जो कि है हमारे दिवाली वेकेशन में हमने कहाँ कहाँ ट्रिप गए, कौन से प्लेसेस विजिट किए, वो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकले 8 o'clock अराउंड, और एक वैन बुक की थी हम लोग ने 8 मेंबर्स की। तो सबसे पहले हम लोग पहुंच गए उन्नाई माता मंदिर। उन्नाई माता मंदिर नवसारी जिले में वनसा तालुका के गांव उन्नाई में स्थापित है। यहां पर आपको उन्नाई माता मंदिर और झरने मिलते हैं। इसकी कहानी उस समय से संबंधित मानी जाती है जब भगवान श्री राम वर्तमान में ढांग दंडकारण्य वन से गुजर रहे थे। एक ऋषि जिनका नाम भक्त ऋषि शरभंग था, उनके आश्रम में आए। ऋषि बीमारी से पीड़ित थे, जिसके लिए उनके भाई ने उनकी मदद करने के लिए अनुरोध किया। भगवान श्री राम ने उनके उपचार के लिए जमीन पर एक तीर छोड़ा और गर्म पानी निकला। इस पानी के साथ उष्णम्बा माता भी प्रकट हुई थी। ऋषि शरभंग ने तब गर्म पानी को के झरने में स्नान किए, जिससे उन्हें काफ़ी राहत मिलता और वह जल्द ठीक भी हो गए। यह माना जाता है कि कोई भी बीमारी किसी को होती है तो जो भी श्रद्धा के साथ यह गर्म पानी में स्नान करते हैं उसके स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। यहाँ पर गुजराती शब्द हूँ ने का अर्थ है स्नान, उन्हें का अर्थ है स्नान, इसलिए इस जगह को इस नाम से पुकारा जाता है। इस प्रकार इसका नाम उन्हें और उष्णम्बा माता को उन्हें माता जी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम लोग ने भी गर्म पानी से हाथ मुँह धो लिए और यहाँ पर हम सब लोग मिल के और हम सब लोग दर्शन करने गए थे। तो सब लोग सबसे पहले गर्म पानी में हाथ मुँह धो के, बहुत सारे जन उधर स्नान कर रहे थे, पर हमको और भी प्लेसेस विजिट करने थे, इधर ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें, इसलिए हम लोग ने सिर्फ हाथ मुँह धोकर हम लोग दर्शन करने के लिए निकल गए। तो टेंपल ये रहा, बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा डेवलप किया गया है टेंपल को। जब हम लोग 8 साल पहले गए थे इतना डेवलप नहीं था, अभी बहुत अच्छे से डेवलप किया गया है और भी डेवलप कर रहे हैं यहाँ पर। तो अभी हम लोग दर्शन करने के लिए मंदिर में आ रहे हैं। माता जी ये रहे। तो सबसे पहले हम लोग ने दर्शन किए गणपति जी के, फिर हम लोग ने दर्शन किए शिवलिंग के, साईं बाबा जी की मूर्ति भी थी उधर। ये रहा साईं बाबा की मूर्ति, और फिर हम लोग शिवलिंग के दर्शन करने के बाद हम लोग दर्शन करें उन्नाई माता जी के। ये बोर्ड पर पूरी स्टोरी लिखी हुई है जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। ये रहा गर्म पानी का कुंड जो कि मंदिर से व्यू है, और यहाँ पर भी सेम हम लोग ने
थोड़े बहुत फोटोज खिंचा के यहाँ से निकल गए। यहाँ पर भी प्रसाद मिल रहा था, वो कि 50 रुपीज़ पे करने पे अपने को मंदिर का प्रसाद दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग ने मंदिर के प्रदक्षिण किए। प्रदक्षिणा करके थोड़े बहुत फोटोज़ खींचा है। और मंदिर के नीचे भी एक माता जी का टेम्पल था, वहाँ पे भी हम लोग ने विजिट किया, दर्शन किए, फिर हम लोग बाहर आ गए। ऐसे फाउंटेन्स जैसे रखे हैं ना, उसमें रोशन शिवानी खेल रहे थे। फिर जैसे ही मंदिर के बाहर आए, हम लोग ने देखा साई बाबा की बड़ी मूर्ति थी उधर, जो कि पालकी था उनको। यहाँ पर हम लोग ने प्रसाद खाए और यहाँ से निकल गए। गिरादूत जो है वाटरफॉल है, जो कि सापुतारा के रास्ते में आता है। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राफ्ट जैसे मिलेंगे, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बनाया था बाम्बू स्टिक से अलग अलग टाइप्स के क्राफ्ट। ఇక్కడ ఆర్జు ఉందా చూడు, కొను మా బిడ్డాడు, డాడీ కొను. आप देख सकते हो गणेश जी की मूर्ति भी बनाई गई, पेंस रखने के लिए भी, पेन कप जैसे बहुत अलग अलग वेराइटीज में क्राफ्ट बने हुए थे। यहाँ का वाटरफॉल भी बहुत सुंदर था, बहुत सारे जन फोटोस खिंचा रहे थे। जब हम लोग 8 इयर्स पहले गए थे तब यहाँ पे पानी में स्नान भी कर रहे थे, पर वाटर का डेप्थ जो है वो अंदर से 100 मीटर्स तक हो गया है, पूरा 100 फीट नीचे हो गया पूरा। तो इसलिए यहाँ पे अभी स्नान करना मना है, यानी कोई भी अंदर नहीं जा सकते, बस फोटोज़ के लिए अलाउ है। तो वहाँ पे भी पूरी पट्टी वट्टी सब लगा दी थी, कोई जा ना सके विजिटर्स। तो हम लोग ने भी यहाँ पे फोटोज़ खिंचाए और थोड़े बहुत क्राफ्ट्स ये सब देखे। मस्त ब्यूटीफुल एकदम अच्छे से बनाया गया था सारे क्राफ्ट्स को। Thank you.
भी यहाँ पे थोड़ी देर एंजॉय किए वेदर को, फिर थोड़े बहुत फ़ोटोज़ खींचा के हम लोग भी यहाँ से निकल गए और गए डायरेक्ट सापुतारा। सापुतारा में गाड़ी हमारे जो ड्राइवर थे उन्होंने 1-2 किलोमीटर्स पहले ही स्टॉप कर दिए थे, तो हम लोग 2 किलोमीटर्स तक टेबल पॉइंट पे गए थे। हम लोग वहाँ तक बाय वॉक गए थे, 2 किलोमीटर्स पहले से ही गाड़ी रोक दी गई थी, फिर हम लोग बाय वॉक गए थे टेबल पॉइंट तक। यहाँ पे बाय वॉक भी बहुत एंजॉय करते करते गए क्योंकि नेचर इतना मस्त था। आप देख सकते हो बिल्कुल ऐसे पानी भी आ रहे थे और वो पानी भी बहुत मीठे मस्त थे। देख सकते हो फाइनली हम लोग आ गए ऊपर जो कि मेन पॉइंट था। यहाँ पे बहुत सारे राइड्स थे, साइकिल, बाइक राइड, पैराशूट राइडिंग, ये सब बहुत सारे थे, पर हम लोग ने सिर्फ साइकिल राइडिंग की थी और मेरे भाई लोग ने बाइक राइडिंग की थी। देखो हम लोग साइकिल राइडिंग कर रहे हैं इधर। अराउंड 50 रुपीज़ ऐसे कुछ लिए थे वो लोग, सिर्फ ओनली 1 राउंड के लिए 50 रुपीज़ लिए थे, पर क्योंकि साइकिल का डेकोरेशन अच्छा था तो इसलिए हर कोई ये राइड एंजॉय कर रहे थे जो भी विजिटर्स आ रहे थे सब। बाय जयपुर रे, बाय बाय। फिर यहाँ पे टेबल पॉइंट से हम लोग व्यू एंजॉय कर रहे थे, पूरी माउंटेन और पूरा नीचे बोटिंग का वो सब व्यू दिख रहा था, तो थोड़े बहुत फोटोज़ खिंचा के हम लोग वहाँ से भी निकल गए। सप्तशृंगी माता मंदिर, सप्तशृंगी माता मंदिर गए तो उसके लिए हम लोग ने ऊपर जाने के लिए हम लोग ने रोपवे का यूज़ किया था, तो ये यहाँ पे ऐसे ट्रेन जैसे बनाया गया है, तो ट्रेन में बैठो और डायरेक्ट अपने मंदिर के पास पहुँचेंगे। सकते हो हम लोग ट्रेन में बैठ के सब लोग, शिवानी तो बहुत डर गई थी वो। देख सकते हो यहाँ पे माता जी के दर्शन हो किए हम लोग ने, तो सप्तशृंगी माता का स्टोरी ऐसा माना जाता है कि जब शैतान राजा महिषासुर जंगलों में तबाही मचा रहे थे तब लोगों और देवताओं ने दुर्गा से शैतान को मारने का आग्रह किया और 18 शस्त्र सप्तशृंगी देवी ने दुर्गा का रूप धारण किया और महिषासुर का वध किया, और तब से उन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। और यह भी माना जाता है कि भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ इन पहाड़ियों पर देवी की पूजा करने और उनके आशीर्वाद लेने आए थे। तो ये वीडियो बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।